हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हाँ, मैंने ये जो साड़ी है ना, ये मेरी शादी की साड़ी है। मैंने एट होम में पहना हुआ था ये साड़ी, तो वही इसका ब्लाउज भी ठीक करवाना था, क्योंकि थोड़ा सा इसका इसका स्लीव्स थोड़ा सा अभी लूज है, तो वही उसको भी ठीक करवाना था। इसका फाल भी उधड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा साड़ी का, तो मैंने सोचा वो भी देख लेती हूँ। और मैंने निकाला तो मैंने बेड में रखा हुआ था, तो मैंने एक दो शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं इस पर, तो देखिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और अब मैं इस साड़ी को फोल्ड करके रख दे रही हूँ। अभी शाम का टाइम है, अभी राजा बेटा भी इधर सो रहे हैं, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और मैं अब आ गई हूँ किचन में। मैंने यहाँ पे पहले अदरक और पानी बॉईल कर लिया था, उसके बाद से मैंने दूध डाला था। अब दूध उसके बाद से अब मैं चाय पत्ती डाल देती हूँ, और मैं थोड़ा ही चीनी डालूँगी, क्योंकि मम्मी जी के लिए, उनको डायबिटीज़ है ना, तो थोड़ा कम चीनी चाहिए होता है, तो इसी वजह से। अब मेरा चाय बनके रेडी हो चुका है और मैं यहाँ चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद अभी आटा भी गूंदना है, तो चाय पीने से पहले मैं कभी भी पानी पी लिया करती, क्योंकि आदत सी बन गई है। ऐसे ऐसे चाय पियो ना तो पूरा गला जल जाता है, इसी वजह से मैं पहले पानी थोड़ा पी लेती हूँ, उसके बाद से चाय पीती हूँ। और मेरा चाय हो गया था। यहाँ पे मैं गुन रही हूँ आटा, और ज़्यादातर मैं रूम में ही यहाँ पे काम कर लिया करती हूँ, क्योंकि यहाँ राजा बेटा भी खेल रहे होते हैं, चाहे सो रहे होते हैं, तो इसी वजह से सोते हैं तभी भी मुझे डर सा लगा रहता है कि गिर जाते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है, मैं उधर किचन में चली जाती हूँ काम करने, और इधर एक से दो बार पलटते हैं, चले आते हैं बेड से नीचे, और मुझे बहुत डर लगता है इनसे। सोते भी हैं तो मैं अकेली नहीं छोड़ती हूँ इनको, इसी वजह से मैं ज़्यादातर यहीं पे काम कर लिया करती हूँ, जो मतलब करने वाला होता है, जैसे आटा गूंदना हो, सब्जी काटना हो, मतलब थोड़ा बहुत काम यहाँ पे कर लिया करती हूँ। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है, अब मैं जा रही हूँ किचन में। और किचन में मुझे आलू बैठाना है, क्योंकि आलू का पराठा बनाना है। दीदी कॉल की थी कि आलू बैठा देना, तो मैं आलू बैठा दे रही हूँ। अब राजा बेटा भी भूखा है, चिल्ला रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा मैं कुछ खिला देती हूँ, तो मैं आलू बैठा के चली जाऊँगी राजा बेटा को खिलाने। मैंने पराठा बनाते टाइम तो वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि राजा बेटा भी चिल्ला रहे थे, तो और ये ऑफिस से आए थे 10 बजे, और इनको गर्मा गर्म पराठा चाहिए, तो जल्दी से इनको खाना भी देना है, इसी वजह से मैं नहीं बना पाई। और यहाँ मैं राजा बेटे को थोड़ा दूध बिस्किट खिला देती हूँ। इनको मैंने बताया था ना, पार्ले जी गोल्ड, मतलब एक बिस्किट और थोड़ा सा दूध गुनगुना करके दे दिया करती हूँ, भूखाते हैं तो भी भूखे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो मैंने वही मैं खिला रही हूँ इनको। और यहाँ पे मैं इनको खिला रही हूँ, और ये
थोड़ा चिल्ला रहे थे तो मैंने इनको ये दे दिया था टॉयज। तो खेल रहे हैं इस टॉयज से बहुत ज़्यादा, ये खुश रहते हैं खेलते हैं। और इनको डब्बा भी चाहिए तो मैंने डब्बा भी दे दिया है, खेल रहे हैं और मैं इनको खिला रही हूँ। और अभी रात का टाइम है, रात का 10 बज रहा है और राजा बेटा खेल रहे हैं। और हम लोग का खाना पीना हो चुका है, आलू का पराठा बना था, दिखाया था ना आलू बॉईल कर रहे थे पराठा बनाते टाइम, मैंने वीडियो नहीं बनाया। और अभी ये चिल्ला रहे हैं, ये रात में जल्दी सोते नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, 11-12 बजे तक जगे रहते हैं। तो मैं अब इनको सुलाने जा रही हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।